जी सुनती कानों देखती हैं आंखों को मेरा सलाम। गर्मी बहुत हो रही है इस वक्त क्योंकि मैंने ब्लू वाला पंखा बंद किया हुआ है, ये वाला पंखा ही बंद किया हुआ है, कूलर ही बंद किया हुआ है क्योंकि अगर वो ऑन होगा तो ऑडियो में मसला आए। डिस्क्लेमर था ये। अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखी शायद आप लोगों को वो फील ना आई हो जो उन लोगों का ही होगी जो आज तक मुझसे पहले दिल्ली में रमज़ान मुबारक गुजार चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है मैंने पिछला रमज़ान मुबारक अपना इंडिया में गुजारा था, स्पेशली जो आखिरी अशरा था वो मेरा गुजरा था दिल्ली के अंदर। मतलब कमाल, खूबसूरत दिल्ली की वो कमाल यादें, खूबसूरत दिन, खूबसूरत रातें। इफ्तारी के वक्त जब आप जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर उस आर्च के अंदर से जब एंटर होते हो ना, क्या खूबसूरत समा आपको देखने को मिलता है। मतलब सारी फैमिलीज़ अपनी अपनी वो कहते हैं ना कि जमठा, मतलब फैमिली इकट्ठी होके, काफ़ी सारी डिफरेंट फैमिलीज इकट्ठी होके अफ्तार कर रही होती है और वो मतलब काबिले दीद है ना वो मंजर, मैं बयान ही नहीं कर सकता उसको अपने अल्फाज में। और अफ्तार के बाद जब आप जामा मस्जिद दिल्ली के बाज़ार के अंदर निकलो, सबसे पहले आपको सामना करना पड़ेगा एक ऐसी चीज़ का जो हमारे इलाके में उसको हमारे मुल्क में मतलब काफ़ी हमारे में काफ़ी लोग उसको समझते हैं कि उसको खाने या पीने से बीमारी हो सकती है। क्या है वो? तरबूज और दूध का मिक्सचर। मतलब वहाँ सुना है कि मतलब कोई बीमारी हो, लेकिन वहाँ पे जो लजीज किस्म का वो कप देते हैं ना आपको, मैं यकीन करें अगर आप वो कभी पियेंगे ना, अगर वह कभी पीते हैं तो एक कप से आपका दिल नहीं भरने वाला, लिखवा लें आप, लिख लें बात। और वहाँ से आप थोड़ा सी आगे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा करीम होटल। इतनी आसानी से नज़र नहीं आएगा एक गली के अंदर जाके, लेकिन मैं कहता हूँ उनका कोरमा, उनका हर खाना इतना कोई लजीज किस्म का, मतलब मुझे किसी वहाँ पर कोई बता रहा था ये पार्टीशन से भी पहले का है और इस बंदे ने छोटी सी रेड़ी से शुरू किया था और अब इसके बाद इतना रश होता है कि लिटरली हम आखिरी तीन दिन जब दिल्ली में थे तो हम लिटरली हमें पौना एक एक घंटा लाइन में लग के अपनी बारी का इंतज़ार करके फिर खाना पड़ता था। इतना लजीज किस्म का खाना होगा और फिर दिल्ली के खाने तो फिर आप छोड़ देना। फिर आ जाएं आप हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। मतलब मुझे तो पहले मुझे पता था इस दरगाह का, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रणबीर कपूर की फिल्म में जो कुन फाया कुन की कवाली है वो यहाँ पे उसकी वीडियो है। मतलब मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब मैं वहाँ से होके वापस आ गया तब मुझे मेरे दोस्त ने बताया और आई वाज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब मुझे लगा मैं इतनी कहाँ से हुआ है यार, और मैं इतना खुश था उस बात पर। और आप सोचें कि आप सारी ज़िंदगी वो चीज़ कानों में सुनते आए हैं, और मतलब कानों से सुनते हैं, मतलब सारी ज़िंदगी आप सिर्फ उसको फिल्मों में देखते आए हैं उस जगह को या टीवी पे, और वो जगह आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उस जगह पे वो कवाली भी सुना है। यहाँ बैठे बैठे मैं आपको कितनी बातें बता सकता हूँ, मतलब कम ही बता सकता, ज़्यादा तो नहीं बता सकता। बहुत याद आ रहे हैं वो दिन मुझे पिछले साल के रमज़ान मुबारक के, और आई विश दुआ कर सकते हैं हम कि दोनों मुल्कों के हालात कुछ इस तरह से अच्छे और बेहतर हो जाएं कि दोनों मुल्कों के फोटोग्राफर्स, ट्रैवलर्स, व्लॉगर्स और इस तरह के जो हैं लोग वो एक दूसरे का मुल्क विजिट करके एक अच्छी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें और पॉजिटिव इमेज खिला सकें। खैर ये तो जी आ जाएं। अरे वासे भाई इतना उदास क्यों होते हो? हम है ना, हम घुमाते हैं आपको दिल्ली, हम दिखाते हैं आपको दिल्ली का रमज़ान, पर एक शर्त है हमारी। अरे भाई मुझे मंजूर है जिस किस्म की भी वो शर्त है, लेकिन फिर भी बता दें अगर आप तो बेहतर हो जाएगा। आपको भी हमें लाहौर के रमजान के मंजर दिखाने होंगे। अरे बस इतनी सी बात, डन कर चले फिर। अरे अरे बस भाई आराम से आराम से, इस दरवाजे से थोड़ा पीछे ना बॉर्डर बॉर्डर। ओके ओके ठीक है, तो चले फिर वासिफ भाई, मैं निकल रहा हूँ दिल्ली की सड़कों पर, आप बताइए कहाँ कहाँ की सैर करूँगा। अनस भाई सबसे पहले तो आप मुझे ले जाएं जामा मस्जिद दिल्ली और वहाँ दिखाएं मुझे अफ्तार के मनाज़िर। वासिफ भाई अब जब जामा मस्जिद तक आए हैं तो मैं लेके चलता हूँ आपको चांदनी चौक, ये गलियाँ तो याद ही होंगी आपको। अरे अनस भाई क्या बात करते हैं, ये कोई भूलने वाली जगह है? आप मुझे इस बाजार में वो है तरबूज वाला बॉय उसके पास ले जाएं। उसे तरबूज वाला बॉय नहीं, उसे मोहब्बत का शरबत कहते हैं, आइए ढूंढते हैं उसको। ये मोहब्बत का शरबत, मैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। अब आप एक काम करें इससे एक कप लें और आप पी लें, मुझे ठंड पड़ जाएगी। अच्छा अनस भाई यहाँ पे एक करीम होटल हुआ करता था, मतलब होगा अभी भी डेफिनेटली, लेकिन मुझे ये बात बताएं कि वहाँ जाके देखेंगे वहाँ अभी भी उतनी ही लंबी लाइन लगी हुई लोगों के खाने के इंतजार के लिए कि कम हुई है? चलिए दिखाते हैं।
अरे देखा, मुझे पता था अभी तक लाइन लगी हुई, क्योंकि खाना ही इतना लजीज होता है यार। चाहे मुझे ये बताएं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहीं आसपास है, अगर आप मुझे वहाँ का भी दीदार करवा दे तो मैं कहता हूँ मज़े आ गए। दूर है भी तो क्या हुआ, लेके चलते हैं, सुनाते हैं आपको लैपटॉप वाली। लव यू अनस भाई। वाह, मज़े आ गए, मज़े लिटरली। अब मेरी बारी है कि मैं अब आपको घुमाऊंगा लाहौर, और आपको भी। तो चलें फिर। नहीं नहीं, अनस भाई से पहले पूछ लें कि उन्होंने कहाँ जाना है। अनस भाई आप बताएं, आप लाहौर में कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगे? वासिफ भाई, जो हमारे दिल्ली का लाहौर में गेट है वहाँ लेके चलिए पहले। मैंने सुना है कोई मस्जिद भी है वहाँ। जी जी, मस्जिद वजीर खान है वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको दिल्ली गेट भी दिखाता हूँ और मस्जिद भी। चलें फिर, चले। तो ये है जी आपका दिल्ली गेट, हमारा दिल्ली गेट, हम सबका दिल्ली गेट। जैसा कि मैंने तो सुना है कि जैसे लाहौर में दिल्ली गेट है, दिल्ली में लाहौरी गेट भी है। मुझे नहीं पता अब तक वो वजूद में है या मसमार हो चुका है। मसमार कहते हैं। मुझे एकदम से याद आया कि जब मैंने आज के दिन ही, पहली जून को ही, जब लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गया था तो बॉर्डर क्रॉस करते हुए जी मेरे यही कपड़े थे। मतलब ये कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं और नॉन कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं। और बगैर किसी डिले के आपको भी दिखाते हैं हम दिल्ली गेट, और साथ लेके चलते हैं मस्जिद वजीर। मेरे हिंदू ब्रादरान, मुसलमान ब्रादरान भारत से देख रहे हैं, उनको हम वजीर खान की मस्जिद से अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह आप लोगों की जामा मस्जिद दिल्ली में, वहाँ पे एक तालाब टाइप सीन है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ना ये चल नहीं रहा पानी ना, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स दिस पॉइंट, क्योंकि पानी भी चलता रहना चाहिए हर वक्त, लेकिन ये चल नहीं रहा ना। टेंट आपके सामने, जिस तरह जामा मस्जिद में हर नमाज के जुम्मे के दिन होते हैं मेरे ख्याल से, तो यहाँ भी फुल टेंट सिस्टम। और अल्लाह ताला ने करम कुछ यूँ किया कि कल तक 46 डिग्री था, आज भी है गर्मी लेकिन इतनी गर्मी नहीं है। और हमारी जामा मस्जिद से जो मिलती जुलती बादशाही मस्जिद है, जरा वो तो दिखाइए। क्या आप इस मस्जिद की बात तो नहीं कर रहे अनस भाई? जी हाँ वासिफ भाई, ये आइडेंटिकल टू जामा मस्जिद दिल्ली। इसका एक दरवाजा जामा मस्जिद दिल्ली के, एक दो और तीनों साइडों का दरवाजा। और एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ ना, वो ये कि जामा मस्जिद दिल्ली के बाहर जो एक सीढ़ी में सारा बाजार सजा होता है, और उसके वहाँ यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो व्यूज है यहाँ के तो जी जी बिल्कुल। आई वुड लव टू वेलकम यू एनी टाइम इंशाल्लाह। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, आपने मेरे लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमें दिल्ली की सैर कराई। और जो मेरे अंदर इंडिया आने की थोड़ी, दिल्ली स्पेशली आने की जो चाह थी, वो थोड़ी सी आपने उसको तसल्ली दी, और अब मैं थोड़ा ठंडा पड़ गया उस मामले में। कभी शुक्रिया वासिफ भाई, आपने हमें लाहौर घुमाया, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। बाकी मेरी उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के हालात अच्छे हो तो टूरिज्म को भी थोड़ा बूस्ट मिले। आमीन जी, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, जिंदगी रही तो दिल्ली आए, इंशाल्लाह तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे हम। जरूर, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम वीडियोस बच्चों के पहुंच से दूर रखें, वीडियो ज्यादा देखने तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के बेल बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत हुकूमत आर्ट बाय वासिफ। आप यकीन करें, आप यकीन कर ही नहीं सकते कितनी गर्मी है।
بھائی چارے کی نشانی. کدھر گیا تھا یہ تو آپ کو کیا معلوم.